भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो एवरीवन, भोजन बॉयज सुमित हेयर। तो भाई आज की वीडियो में बताऊंगा कि मायावती जी के बयानों को ये मनु स्ट्रीम मीडिया कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, जिससे भोजन समाज भ्रमित होता है। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना। तो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको एक अपडेट दिया था ना कि एक्टिविस्ट वेद की लड़ाई हो गई है एक नेता से बिहार के अंदर। तो अब वो राज खुल चुका है कि किस नेता से लड़ाई हुई है एक्टिविस्ट वेद की। ये नेता, इनका नाम है मुकेश सहनी, ये निषाद कम्युनिटी से आते हैं और इनको सन ऑफ मल्हार भी कहा जाता है। इनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी, इनसे लड़ाई हुई है एक्टिविस्ट वेद की। तो ये मैंने आपको बता दिया किस नेता से लड़ाई हुई है। और एक्टिविस्ट वेद ने एक ट्वीट करा हुआ है और एक स्क्रीनशॉट शेयर करा हुआ है ये वाला, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो नेता है सन ऑफ मल्हार, इनसे उनकी ऑडियो पर व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो पर बात हुई थी। और वो जो नेता है सन ऑफ मल्हार यानी कि मुकेश सहनी, उन्होंने अपने सारे ऑडियो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन एक्टिविस्ट वेद कह रहे हैं कि मेरे पास सारे ऑडियो है भाई, और आने वाले वीडियो में वो इनकी पोल खोलने वाले हैं। तो भाई मुझे भी वीडियो का इंतजार है, कि आपको भी इंतजार है वीडियो का। दोस्तों देश में कोरोना बम फट चुका है, लेकिन इस बात का एहसास हमारे देश की सरकार को नहीं है। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एक गणित बताता हूँ, एक रिसर्च बताता हूँ जो दशुद्रा ने भी बताई है कि आने वाले तीन महीनों में देश में सितंबर तक क्या बोलते हैं कोरोना संक्रमित की संख्या भारत में 30 लाख तक हो सकती है, और 2021 तक जनवरी में 3 करोड़ हो सकती है। तो ये वीडियो देखिए। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधार्थियों ने कोरोना पर एक गणितीय मॉडल पेश किया है। IIS के शोधार्थियों के मुताबिक जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर अगले साल जनवरी तक भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 करोड़ होने की आशंका है। अनुमान के मुताबिक इस साल सितंबर तक देश में मरीजों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच जाएगी। लेकिन इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जितने उपाय किए जाने चाहिए थे, उतने किए नहीं जा रहे। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। आपने देखा एक रिसर्च जिसमें सितंबर तक 30 लाख कोरोना केसेस हो सकते हैं भारत में, और 2021 जनवरी तक 3 करोड़। मतलब भाई हमारा देश अभी कोरोना पॉजिटिव केसेस में तीसरे नंबर पर है, आने वाले वक्त में पहले नंबर पर भी हो सकता है। मतलब ये हमारी अचीवमेंट होगी, और इसके बाद हम थाली दिए टॉर्च तो जला चुके हैं, अब DJ बजवाए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करो। बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है भाई देश में। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, साकेत मुक्ति आंदोलन जो अयोध्या है उसे हम साकेत बोलते हैं, उसके मुक्ति आंदोलन के लिए भंते सुमित रत्न जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और उनकी हेयरिंग भी थी क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे उनको फटकार लगाई है, और उल्टा उनके खिलाफ भी CBI जांच के ऑर्डर दे दिया है। मतलब बहुजनों के खिलाफ भी CBI जांच के ऑर्डर दिए है कि कहीं ये राम मंदिर को बुद्ध विहार साबित करने के लिए विदेशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। तो भंते सुमित रत्न ने एक चीज बताई है, तो ये वीडियो देखिए। विचार करिए भारत के लोगों, भारत के समतावादी, मानवतावादी, बुद्धवादी, अंबेडकरवादी विचार करिए कि भारतीय संविधान का तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका एविडेंस नहीं देख रहा है, अवशेष नहीं देख रहा है, कार्बन रेटिंग नहीं करा रहा है, हिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं उसे, साहित्य नहीं पढ़ रहा है, और मनमाने तरीके से हम लोगों के हकों को, हमारे अधिकारों को, हमारे मान सम्मान को कुचल रहा है। मुझे अब हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा है। ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। भंते सुमित रत्न जी का कहना है कि भारत की डेमोक्रेसी का ये तीसरा स्तंभ न्यायपालिका अब ब्राह्मण पालिका बन चुका है। इसने पूरा संविधान का गला घोट दिया है, संविधान की हत्या कर दी है। संविधान के हिसाब से ये कोर्ट काम ही नहीं कर रहे हैं, ये जो जज बैठे हैं वहां पर अपने मन से फैसला दे रहे हैं। इन्होंने कोई एविडेंस नहीं देखा, इन्होंने कोई जो हिस्टोरिकल एविडेंस पेश किए गए थे उस पर चर्चा नहीं करी, बस अपने मन से फैसला सुना दिया और याचिका रद्द कर दी है भाई बहुजन समाज की। अब भंते सुमित रत्न जी का कहना है कि बहुजनों के पास साकेत को हासिल करने का एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, वो भी संविधान के दायरे में। तो क्या आप तैयार हैं साकेत के लिए, नीचे कमेंट करो। दोस्तों बहुजन समाज के एक एक्टिविस्ट जिनका नाम है सतीश बोध, उनकी वीडियोस यूट्यूब पर बहुत वायरल होती है, बहुत चलती है। उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि जितने भी बलात्कारी होते हैं, महिलाओं के ऊपर हिंसा करने वाले लोग होते हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले लोग होते हैं, वो अधिकतर स्वर्ण समाज के लोग होते हैं। ऐसा बयान उन्होंने खुद दिया है दोस्तों, तो ये वीडियो देखिए। अधिकतर स्वर्ण ही बलात्कारी क्यों होते हैं, ये कब तक चलेगा?
कब तक चलेगा कि हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार इसी तरह से होता रहेगा, ये दुष्कर्म कब तक चलेगा? अब ये दुष्कर्म रुक जाना चाहिए, नहीं तो याद इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब अति हुई है तो लोग सड़कों पर आए हैं, और जिस समय हम सड़कों पर आएंगे तो 2 अप्रैल को भूलना मत, 2 अप्रैल दोबारा फिर भी कभी भी हो सकता है। चेतावनी दे रहा हूँ उन बलात्कारियों को, कथाकथित बलात्कारी को जो मुख्य रूप से सवर्ण समाज से आते हैं, वो अपनी इन हरकतों को करना बंद करें। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है। सतीश बौद्ध जी की बातों से क्या आप लोग सहमत है? क्या अधिकतर जो स्वर्णवादी विचारधारा के लोग होते हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग होते हैं, वही बलात्कार करते हैं या नहीं करते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ। और गाइस, उन्होंने जो बोला है ना, एक बात मेरे को भी सच्चाई लगती है, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है कि अधिकतर जो स्वर्ण समाज के लोग होते हैं वो दलित महिलाओं के ऊपर बलात्कार करते हैं या उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और वो स्वर्ण ही होते हैं। तो मेरे को कोई बात गलत लगती नहीं है, आपका क्या विचार है? दोस्तों, अगली स्टोरी निकल कर आ रही है मायावती जी को लेकर, कि ये देश का मनु स्ट्रीम मीडिया मायावती जी को किस प्रकार से बदनाम करता है, फिर मायावती जी के विरोधी या फिर BSP के विरोधी उस खबर को उठाकर कैसे प्रोपोगेंडा चलाते हैं। तो आप ये खबर पढ़िए पेपर की कटिंग सबसे पहले, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार को बदनाम करने के लिए आत्मदाह के लिए उकसाया गया, और मायावती जी की फोटो है, मायावती जी का नाम है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है ना कि मायावती जी ऐसा कह रही है सरकार के बचाव में कि सरकार को बदनाम करने के लिए क्या बोलते आत्मदाह के लिए उकसाया गया। सबको ऐसे ही लगेगा अगर ये खबर आपके सामने आएगी तो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये रहा मायावती जी का ट्वीट, जो मायावती जी ने ट्वीट करा था, फिर ये खबर बनी। मायावती जी ने लिखा है साफ साफ शब्दों में, आप वीडियो को पॉज करके भाई पढ़ भी सकते हो, कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए अगर इन महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये सही भी बात है भाई, अगर किसी को हम उकसा रहे हैं आत्मदाह के लिए तो इसकी जांच होनी चाहिए। मायावती जी ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ये पेपर वाले साले कुछ का कुछ छाप रहे हैं। फिर इसी खबर को उठाकर मायावती जी के विरोधी या फिर BSP के विरोधी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यही खबर चेपते हैं और मायावती जी के खिलाफ, BSP के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो गाइज, मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी है कि मायावती जी का ट्वीट अलग था और ये जो पेपर में खबर छपी है, मनु के पेपर में खबर छपी है, इसका जो मायना निकाला जाए तो वो अलग निकलता है। इस पेपर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मायावती जी योगी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कहने का जो मतलब था ट्वीट में और कुछ था। मैंने पूरी सच्चाई आपको बता दी, अब आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके आप लोग कह सकते हैं, और कहिएगा जरूर भाई। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।